जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। हिंदुस्तान की सेना जिस तरह से काम कर रही है कश्मीर में, या फिर हम कहें कश्मीर के आवाम के लिए, चाहे उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात हो या फिर उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो जो आतंक के रास्ते को इख्तियार करते हैं, जो एक गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, उनको जो है हिंदुस्तान की सेना मेन स्ट्रीम में लाती है। और बहुत से स्कूल जो है सेना की तरफ से खोले गए हैं जहाँ पर बहुत से बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक मौका जहाँ पर ये कहा गया कि सुपर 30 एक इनिशिएटिव उठाया गया, वहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात थी। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने बच्चों को किस तरह से प्रेरित किया और किस तरह से कहा कि आपको अपने पूरी स्टेट का नाम रोशन करना है, आपको जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और आपको खुद का भी नाम रोशन करना है, क्योंकि कश्मीर के बच्चों में बहुत काबिलियत है जो पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। और 83 बच्चे बाकी अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया एंड J&K, दे हैव गॉट देयर एडमिशन। सो 155 हैव गॉट एडमिशन इन वेरी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इंडियन आर्मी रन्स 28 Army Goodwill schools and about 10,000 students are getting educated in these schools. Army Goodwill schools, जो Indian Army चला रही है आपके सहयोग से, पूरी faculty, पूरे teachers कश्मीर से आते हैं, ladies teachers हैं, gents teachers हैं और तमाम बच्चे, ज़्यादातर हम अहमियत देते हैं गरीब परिवारों के बच्चों को दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे उनको और सहूलियत मुहैया नहीं है। And all these initiatives, may it be the Army Goodwill schools, may it be the Super 30, may it be the Super 30 engineers, medical, ये सब एक छोटे छोटे हमारे जो सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी को वापस हमारी तरफ से छोटा सा योगदान है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं पे बैक टाइम, वी हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग लाइक नेबर्स एंड गुड सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ऑल दीज इनिशिएटिव्स ऑफ इंडियन आर्मी are for the awam of Kashmir, and I would request everyone to take full advantage of this. We are giving the environment, we are giving the platform, our knowledge partners, our sponsor partners are giving every faculty and facility possible and the security and the environment for the children to study. ये super 30 नहीं है, जिस तरह के अभी आपने नतीजे सुने, मेरे को लगता है ये तो super 30 है और ये इसके आगे चल के और भी सुपर 30, 50, 300, 3000, इसको हमने एक ऐसे मुकाम पे ले जाना है जहां पे हर कोई बोले कि अगर मेरे को किसी जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले मुझे सुपर 30 या सुपर 50 में एंटर करना है और उसके आगे तो फिर मेरी जिंदगी एकदम सफल है। मेरे माँ बाप की जितनी भी मेहनत थी वो एकदम सफल है और माँ बाप का जो नाम रोशन करेगा बच्चा उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी शायद मेरे को, हमारे साथियों को, हमारे नॉलेज पार्टनर्स को, हमारे स्पॉन्सर्स को और माँ बाप को तो खैर होगी हो। तो मैं आप तमाम बच्चों को जो बैच वन है उसके लिए जो उन्होंने अच्छा रिजल्ट हासिल किया है उनको मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये है कि जिस भी मेडिकल कॉलेज में बेटा आप जाते हो इतनी मेहनत करो कि वहां पे एक फर्स्ट 5, फर्स्ट 3, फर्स्ट 2, फर्स्ट 10 में आकर के अपना नाम, अपनी स्टेट का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और जो बैच 2 अभी स्टार्ट हो रहा है इतनी मेहनत करो कि आप हर तरह की जो मेहनत को दिखाया किस तरह से बच्चों को एक प्रेरणादायक भाषण दिया गया और वहाँ पर बताया गया कि आपको किस तरह से अपना जीवन जीना है, किस तरह से नाम रोशन करना है और मुबारकबाद दी गई उन सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और उन बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके टीचर्स को और मोटिवेट किया कि आप इसी तरह से आगे बढ़िए, हिंदुस्तान की सेना आपके साथ है, भारत सरकार आपके साथ है और पूरा हिंदुस्तान जो है आपके साथ है, क्योंकि कश्मीर के हर बच्चे में काबिलियत है और एजुकेशन के ज़रिए एक अच्छा करियर चुनिए, एक अच्छा जो है अपना फ्यूचर चुनिए और एक अच्छा हिंदुस्तान का निर्माण कीजिए। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।